दिल्ली स्टेट ट्रेड कांग्रेस ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष विजय कुमार भाटिया को मनोनीत किया है। भाटिया को अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें एक समारोह में जहां प्रमाण पत्र सौंपा, वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की बढ़ती घटना से स्थानीय व्यापारियों व स्थानीय निवासियों में कानून व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की चर्चा शुरू हो चुकी है। मनीष कुमार ने मोतीनगर थाना में दर्ज शिकायत में बताया है कि शॉप नंबर 18 गुरु नानक मार्केट फ्रूट मंडी मोतीनगर उनकी शॉप का ताला तोड़कर एक बंडल शॉल, करीब 40 तौलिया, जेंट्स अंडर गार्मेंट, 20 कंबल, रुमाल पैकेट और 7000 रुपए की चोरी की गई है। मोतीनगर थाना ने कांड संख्या 459 दिनांक 13 दिसंबर 2018 दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं 5/20 पंकज कुमार सिंह, मनीष बब्बर, बब्बर ज्वेलर्स A2/21 मोतीनगर में भी 13 दिसंबर को चोरी की वारदात हुई, लेकिन गृह स्वामियों व दुकानदारों द्वारा इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया है। क्षेत्र में चर्चा है कि अंडर ट्रेनी IPS जब तक मोतीनगर थाना में पद स्थापित थी, क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण था। एक रात में कई दुकानों व घरों में चोरी की वारदात के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ACP एवं DCP से क्षेत्र की जनता ने यह मांग किया है कि मामले की जांच कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए CBI को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत होंगे और सचिन पायलट डिप्टी CM बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत और सचिन के साथ 2.5 घंटे की बैठक के बाद यह फैसला सुनाया। पाकिस्तान से कई साल पहले अहमदाबाद आए करीब 83 हिंदुओं को जिला प्रशासन ने शुक्रवार को भारत की नागरिकता दे दी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सरकारी स्कूलों में प्राथमिकी शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कथित तौर पर जातिवादी और अपमानजनक सवाल पूछने से जुड़े मामले में पूरे दस्तावेज नहीं देने के लिए जमानती वारंट जारी किया है। मेट्रो रेल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त शैलेश पाठक ने नोएडा ग्रैनो मेट्रो लाइन की जांच का काम पूरा कर लिया है। खबरों की माने तो CMRS की जाँच में अधिकतर चीजें ठीक पाई गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थ केयर की बिक्री पर रोक लगा दी। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। PCA गठन को लेकर दिल्ली सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फैसले को वापस लेने की अपील की है। इस संबंध में गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को कड़ा पत्र लिखा है। ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु विश्व टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने अमेरिका की बेई वेंग झांग को 21-9 और 21-15 से हराया। दिल्ली की सिख राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज करने के साथ ही स्टेट यूनिट की अध्यक्षता जाने से मनजीत सिंह जीके को डबल झटका लगा है।
दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्कूली बच्चों के परिजनों की डिटेल्स इकट्ठा कर रही है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।